यहाँ से स्टार्ट करते हैं सनसेट से एंड नीचे देखो लुक एट दिस। और बंगलोज बन रहे हैं, ये सब देख के ऐसा लगता है ना अपना भी एक होना चाहिए। हे गाइस, हाउ आर यू? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। एंड टुडे इट इज भाई दूज। और हर साल की तरह, जैसे कि पिछले साल भी हम लोग यही टाइम पे बाहर घूमने के लिए गए थे। थंबनेल जो आपने देखा है उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि ये जो सामान वगैरह सब दिख रहा है आपको बिखरा हुआ, ये सब अभी लोड करना है। उसके बाद में मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यानी कि जो अपनी गाड़ी है, उसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूँगा। हेल्थ वाइज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट नेवरदलेस हम लोग इन्जॉयमेंट करेंगे, अच्छा इन्जॉयमेंट करेंगे। एंड बच्चों इज हियर, बच्चो से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अभी वेटिंग चल रहा है मेरी फैमिली का यहाँ पर आने का। यू नो लाइक दे आर कमिंग बाय कार फ्रॉम एरोली टू पनवेल एंड देन वी विल प्रोसीड टू आवर डेस्टिनेशन। पिछली बार हम लोग इसी टाइम पे गए थे वासिम में, वासिम थाने से आगे है। और इस बार जो हमारा है, पहले मेरी फैमिली आ जाए उसके बाद रिवील करता हूँ गाड़ी में बैठ के। मेरे पापा ने एक नई एक्सेल 6 ली है, उसमें 7 सीटर है। सेवन सीटर अभी नहीं है बेटा, 7 सीटर हम लोग उसको बनाएंगे, अभी फिलहाल वो 6 सीटर ही है। हाँ, वो मतलब वहाँ पर 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़े से अगर दुबले पतले लोग हैं तो एडजस्ट हो जाएंगे। अभी दादा दादी आएंगे, उसके बाद में अपन गाड़ी में सब एडजस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ। फिर देखते कितने लोग बैठते हैं, 6 बैठते कि 7 बैठते हैं। सो वी आर हियर एंड दिस इज आवर व्हीकल, आवर न्यू एक्सेल 6। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्हीकल्स। एंड सामान पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, स्पेस काफ़ी है। मैं फिर भी एक बार खोल के देखता हूँ, पकड़ के रखना भाई। नहीं गिरेगा, खाली बस ये वाला जो एक बैग है बस इसी को सेटल करना है ना, बाकी सब तो प्रॉपरली बैठ गया यहाँ पर। एंड वी आर ऑल रेडी टू मूव। चलो, व्हीकल लुक्स बिगर एंड दिस इज आवर ओन। अब आएगा लॉन्ग ट्रिप्स का असली मजा। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हुए बता देता हूँ, दिस इज एक्सल 6 का अल्फा प्लस टॉप मॉडल मैनुअल वेरिएंट। मैनुअल वेरिएंट मैंने जान पूछ के लिया, बिकॉज मैनुअल में पावर वाइज ऑटोमेटिक से थोड़ा ज़्यादा किक है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जैसे कि आप देख रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो गया है। ये मिडल वाली सीट जो है थोड़ी सी जुगाड़ की हम लोगों ने, सारे बोलते ना वो ब्लैंकेट्स वगैरह सेंटर में डाल के। Having said that, हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अभी, नहीं तो ये इस तरीके से इधर ही चालू रहेगा सब कुछ। सो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंदिर मामा की, चलो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी।
Hey guys, so finally we have reached our destination which is known as Kriyam Villa. जैसे कि आप डोर पे देख रहे हो क्रियम विला मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है एंड आई हैव बॉट एन एसयूवी एंड दिस इज बेसिकली अ फैमिली कार जो कि बहुत नीडेड थी मेरे लिए क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह सब हो रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे जुगाड़ करना पड़ रहा था एवरी टाइम फॉर अ व्हीकल बिगर व्हीकल. पहले इनोवा किया जुगाड़, फिर अर्टिगा जुगाड़ किया जो मेरा पिछला ट्रिप था. अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा हुआ है हिमाचल का धर्मशाला तक का तो वो आप प्लीज़ देखिए. नाउ लुक एट दिस व्हीकल. मैंने ये बहुत R&D किया था 2 महीना एटलीस्ट. तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फीचर ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई अराइव्ड टू दिस डिसीजन टू बाय XL6. और वेरिएंट तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, दिस इज़ अल्फा प्लस मॉडल मैनुअल वेरिएंट, टॉप मॉडल है ये. और टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. आउटसाइड दोनों साइड पूरा फार्म्स है और वो साइड में भी देर आर फ्यू बंगलोज विच आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड. बंगलोज से पहले यहाँ पर जो एरिया है हु दे आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, सो दे रिसाइड ओवर देयर. एंड दिस इज अ 2-bedroom बेसिकली एंड वी हैव गुड स्विमिंग पूल ओवर देयर एंड खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है. ऊपर टेरेस भी है. लेट मी शो यू अराउंड, कम. So before going inside the villa, let me show you outside. This is the swimming pool area. और swimming pool is quite big enough कि आप अच्छा खासा बोलते हैं ना 10 लोगों के फैमिली के साथ में enjoy कर सकते हो. हम लोग तो साथ ही है. और यहाँ पर changing room वगैरह भी है और washroom वगैरह भी है यहाँ पर available ये side में. And then सिटिंग एरिया एक छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पर. अंदर की तरफ में अभी चलते हैं और बाकी का डिस्कशन करते हैं कि अंदर क्या क्या है और कितना ब्यूटीफुल है. कम इनसाइड. दिस इज द विला एंड दिस इज द हॉल एरिया. एंड हॉल के साथ साथ में यहाँ पर हाई स्टूल भी दिया हुआ है, हाई चेयर. और यहाँ पर किचन है जो कि यूज कर सकते हैं. यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है एंड यू हैव बेसिन ओवर देयर. फ्रिज भी है टू यूज इट as per your requirement. So आप लोगों ने अभी हॉल का एरिया तो देख लिया है. अभी यहाँ पर एंट्री पॉइंट है. वाईफाई का पासवर्ड वगैरह यहाँ पर डोर पे दिया हुआ है. दिस इज द टेम्पल एरिया. वो साइड में स्विमिंग पूल है एंड देन यू हैव 1 bedroom ऑन द ग्राउंड फ्लोर विच इज दिस ह्यूज मैसिव. साथ में आपको गद्दे दिए हुए हैं फॉर एक्स्ट्रा पर्सन्स. एंड लेट अस गो अपस्टेयर्स. ये साइड में टेरेस है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ. पहले आपको इधर दिखाता हूँ. ये देखिए, दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम. सेकेंड बेडरूम के साथ में यहाँ पर एक बालकनी दी हुई है. ये देखिए, यहाँ से दिखेगा और बालकनी से स्विमिंग पूल वगैरह दिखता है. फार्म्स वगैरह आजू बाजू में ओपन एरिया है. यहाँ पर एक वॉशरूम है, प्रीटी डिसेंट, काफी अच्छा है. एंड लेट्स गो. अच्छा, ये वाला जो बेडरूम है ये एक्चुअली बंद रहता है हमेशा. इट इज ऑलवेज क्लोज्ड. मे बी जो केयर टेकर है उनके कुछ तो होगा. एंड दिस इज द टेरेस एरिया कम्प्लीटली. यहाँ से शुरू होता है एंड लेट मी टेक अ क्विक टर्न. ये पूरा एल शेप टेरेस है. सो डाइनिंग वगैरह जो है वो पूरा यहाँ पर है. एंड यहाँ पर सामने का व्यू देखिए. देखिए, सो दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया एंड दिस इज द फार्म एरिया. तो चारों तरफ से पूरा ओपन है. लेट्स सी अभी आगे का. एक थोड़ा और ऊपर है वो भी देख लेते. ये देखिए, यहां से आपको पूरा एकदम क्लियर व्यू. सनसेट हो चुका है और यहां पर
ऊपर की तरफ में जा सकते हैं आराम से। यहाँ से भी एक व्यू दिखा देता हूँ, एक्चुअली ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। शुड नॉट फॉल, एक हाथ में कैमरा। हाय, तो यहाँ पर सेल्फी वगैरह ली जा रही है। एंड नाउ दिस इज द व्यू, लुक एट दिस, पूरा एक क्विक टर्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं सनसेट से। एंड लुक एट दिस, और बंगलोज बन रहे हैं। ये सब देख के ऐसा लगता है ना अपना भी एक होना चाहिए। ये देखो स्विमिंग पूल, देखो अभी दोनों मुझे देखो, अभी हम लोग कितने हाइट पे, देखिए। यस मैडम, कैसा लगा आपको? स्विमिंग पूल का कोटा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ हम लोग बताना गर्मा गर्म खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। लोगों को दिखाता हूँ, बहुत मस्त है और बहुत अच्छे से मतलब सर्व किया हुआ है। अच्छा, इसमें चपाती है, वी हैव मटर पनीर, आलू की भाजी, सैलड, दाल, पापड़, राइस। So this is how it looks in the daytime. This is my new vehicle and I am not getting over it, you know, like mera mann nahi bhar raha hai baar baar usi ki taraf dhyan ja raha hai. Chalo koi nahi, abhi hum log pool mein ja rahe. This is the bungalow. अब डे टाइम है, मॉर्निंग में ये लोग मस्त वॉक करने के लिए गए थे क्योंकि आसपास में पूरा फार्म ही और पूरा ओपन एरिया है मस्त। इसका सबसे बेस्ट चीज़ मालूम है क्या है, ये जो मिडल जो विंडो है ना, जो डोर है, इसका साइज़ देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं ना उनको व्यू बहुत कड़क मिलता है, और पीछे का भी जो विंडो है ना उसका साइज़ बहुत अच्छा है। दिस इज़ द पूल साइड, दिन के समय पर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। Now that we are leaving from here, a quick you know like walk through around. गाड़ी तो मतलब दिमाग से जा ही नहीं रही है, बिकॉज नई नई गाड़ी आई है तो क्रेज रहता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। सो यू नो लाइक एक लॉन्ग ट्रिप के लिए अभी अच्छा खासा बंदोबस्त हो गया, किसी के पास जाके कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बढ़िया सा सनसेट हो रहा है पीछे और हमारे निकलने का भी टाइम हो गया है, और इट वॉज अ लवली स्टेइंग ओवर हियर एंड दिस इज़ अ बंगलो। कि टेरेस वगैरह तो हमारे इतना काम आया नहीं, खाली बस फोटोग्राफी के लिए यूज़ हुआ है। बाकी स्विमिंग पूल बहुत इन्जॉय किया, कल रात को भी इन्जॉय किया, आज मॉर्निंग में भी इन्जॉय किया है। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों को बुक करनी है तो उसका पूरा डिटेल्स, किससे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर के साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और नीचे अभी स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नाम और नंबर, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इनसे कर सकते हैं। वेरी हम्बल पीपल और गुड सर्विस विद गुड फूड, एवरी बडी इज़ रेडी, सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बच्चू इज़ रेडी। यस बच्चू, नींद हो गई? अच्छी खासी नींद हो गई ना, वो अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में उठ के खिड़की ओपन करके मस्त यहाँ पर बैठ सकते हैं चाय वाय लेके। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी और देखते हैं कि अभी ऑन द वे रास्ते में क्या क्या कैप्चर करने को मिलता है। पैकिंग वाइज काफ़ी कुछ हो चुका है यहाँ पर, मैं एक बार देख लेता हूँ। सामान तो सारा स्टफ हो चुका है, इसको बंद करके फिर और सामान इसके ऊपर लोड हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर लोड करने जाऊँगा तो वो ड्रॉप होने के चांसेस है। तो एक बार डोर बंद कर देता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर में छोटे मोटे बोलते हैं छोटे मोटे सामान वगैरह शिफ्ट कर लेंगे। दिस इज़ द फ्रंट कैबिनेट,
360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ है। डिटेल में गाड़ी के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी तो फिलहाल जस्ट एक बोलते ना इनिशियल ट्रिप पे हम लोग आए थे। स्पेस वाइज, स्टोरेज वाइज, फीचर्स वाइज, बजट वाइज, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप देखिए इसका वापस जाने का जर्नी यहाँ से अलीबाग से पनवेल का।